नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग ने कॉमर्स जो शिपिंग कार्ड था, जो कॉमर्स का कार्ड था, उसके बारे में हम लोग बात की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कॉमर्स चेकआउट प्रोसेस के बारे में, कि कॉमर्स चेकआउट का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कैसे कवर है, उसको कैसे कस्टमाइजेशन उसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने स्टोर में जाना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा और चेकआउट का ये जो सेटिंग दिख रहा है यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो चल रहा है वो क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग जब किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको क्लिक करते हैं, तो ये हमारा आ गया शॉपिंग कार्ट। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसको एजेक्स के थ्रू इसको विदाउट पेज रिफ्रेश अपडेट कर रहे थे हम लोग अपना कार्ड। अब जब हम इसको चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है चेकआउट का। ठीक है, तो चेकआउट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि क्लाइंट को या किसी यूज़र को इस तरीके का नहीं चाहिए होता, जैसे यहाँ बिलिंग आ रहा है और शिपिंग कार्ड कंटेंट तो होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पर शिपिंग एड्रेस भी आता है। ठीक है, जब शिपिंग के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे उसको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक पेमेंट मेथड जो हमारे पास था, फ़िलहाल पेमेंट मेथड हमारे पास, हमने भी कोई पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट नहीं किया है, अभी हम लोग पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, ये एग्ज़ाम्पल के लिए इसको ओपन इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम इनेबल करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट का एक मेथड अभी नहीं आया शायद कन्फिगर। ठीक है, तो जब हम लोग चेकआउट पे जाते हैं, ठीक है, अब चेक करते हैं चेकआउट पे जो हमारा पेज था, जो कि हम गए थे स्टोर कॉन्फ़िगरेशन और चेकआउट सेटिंग पे। ठीक है, यहाँ पर जो चेकआउट प्रोसेस है वही प्रोसेस है। देखिए, चेकआउट पे जो सबसे पहले जो आया है वो आया है शॉपिंग कार्ट कंटेंट। ठीक है, वो हमारा आएगा शॉपिंग कार्ट कंटेंट। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आया और बिलिंग इन्फॉर्मेशन आया नीचे उसके। ठीक है, ठीक, और उसके बाद आया रिव्यू। तो अगर हम लोग इसको फिल करते हैं, ठीक है, मैंडेटरी फील्ड फिल करते हैं और ठीक है कंटिन्यू नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारा आ गया रिव्यू। ठीक है, रिव्यू ऑर्डर आया और ये जो हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन इधर था वो इधर है। ठीक है, तो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो ये हो सकता है ये ड्रुपल का हो, बाद में इसको हम लोग कवर करेंगे जहाँ हमको दिखाना होगा। और रिव्यू के बाद हमारा दोस्तों क्या था कि पेमेंट था। ठीक है, ये पेमेंट आ गया, तो ये हमारा पेमेंट का जो हमारा एग्जांपल आउट किया था वो पेमेंट का आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा हो गया चेकआउट कंप्लीट। ठीक है, और हमारा जो ईमेल फंक्शनलिटी वो लोकल होस्ट पता है नहीं, इसलिए वजह से ये ईमेल बन नहीं पाया। ठीक है, सेंड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हमारा चेकआउट कम्प्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम व्यू कर देख सकते हैं कि क्या हमने परचेज़ किया था। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है ये पेमेंट ऑफ साइट रिडायरेक्शन, जो कोई कोई पेमेंट गेटवे होता है, जैसे कि हमारा ऑथराइज जो हमारा पेमेंट गेटवे होता है उसमें ऑफ साइट नहीं होता है, लेकिन जैसे कि हमारा पेपाल हो गया उसमें हमारे ऑफ साइट रिडायरेक्शन होता है। ठीक है, तो वो इस प्रोसेस में जाता है और उसके बाद जो हमारा ये कंप्लीट मैसेज में चला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो जो चेकआउट हो गया, रिव्यू हो गया, पेमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, ये एक इसकी स्टेट हो गई। ठीक है, कॉमर्स चेकआउट प्रोसेस की स्टेट हो गई। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर कुछ अपना नया ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास जैसे ये शिपिंग कार्ड है या इस टाइप का। ठीक है, कॉमर्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हम अगर कुछ ऐड करना चाहें अपना, ठीक है,
उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक मॉड्यूल आता है, सर्च करते हैं, ठीक है। डीसी होगा, ठीक है। कॉमर्स चेकआउट पेजेस, तो ये मॉड्यूल आपको कैसी फंक्शनैलिटी देगा दोस्तों, ये मॉड्यूल आपको ऐसी फंक्शनैलिटी देगा कि उसके थ्रू आप एक नया कॉमर्स मतलब पेज ऐड करने में मतलब यूज़फुल रहे, मतलब आप एक ऐसी फंक्शनैलिटी देगा कि यहाँ पर आप जब जाओगे कॉमर्स सेटिंग में, जब जाएंगे हम लोग चेकआउट पे, तो यहाँ पर एक आपका आ जाएगा, एक ऑप्शन आपके आ जाएगा यहाँ पर चेकआउट पेजेस। यहाँ पर जब आप इनेबल करोगे इस मॉड्यूल को, तो वहाँ पर आपके चेकआउट पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर आप अपना नया पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थे ये, हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने शिपिंग सर्विस भी हमारी आ गई है, कूपन भी हमने यूज़ किए, ये हम लोग पहले कर चुके हैं और हम लोग नया यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेज इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग जो मॉड्यूल है हमारे पास वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स चेकआउट पेजेस, जिसके यूज़ से आप नया कोई पेज ऐड कर सकते हैं। उसमें सिंपली आप पेज ऐड करेंगे और सिंपल सा आपको टाइटल और हेल्प भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके थ्रू आप ये भर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल में हम लोग एक, मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें आप एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम चेक कर लेते हैं क्या है वो एग्ज़ाम्पल, ठीक। एग्ज़ाम्पल में, इस एग्ज़ाम्पल में आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर चेकआउट का पेजेस, जैसे यहाँ पर ये चेकआउट का जब आप मॉड्यूल डालोगे यहाँ पर, तो इनेबल करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ऐड की बटन पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से कन्फर्म योर कार्ड, इस तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे, और जब आप सेव कर दोगे तो आपको यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो स्टेट जो लेवल यहाँ पर आ जाएगा, और उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ आपको यूज़ करना हो, जैसे कन्फर्म कार्ड में, फिल एड्रेस में क्या आप दिखाना चाहते हो, जैसे बिलिंग इन एड्रेस में हम लोग फिल इन एड्रेस में हम लोग बिलिंग एड्रेस दिखा देंगे, ठीक है। कन्फर्म में कन्फर्म कार्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से शॉपिंग कार्ड कंटेंट डाल दिया कन्फर्मेशन में, ठीक है। तो ये था कि जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा पेज कस्टमाइजेशन चाहिए, तो उस तरीके से हम एक इस मॉड्यूल के थ्रू हम लोग कॉमर्स कार्ड चेकआउट पेजेस के थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी थी दोस्तों की, किस तरह हम लोग अपना चेकआउट प्रोसेस को कवर करें और कस्टमाइज़ करें, ठीक है। तो ये इतना है, इतने इसमें सबसे हेल्पफुल यही है कि हम लोग अपना चेकआउट पेजेस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।